तो टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन करते हैं पावर बीआई दैट फंक्शन में। हमने डेट एंड टाइम फॉर्मूला एक पढ़ा था, डेट एंड टाइम फॉर्मूला में डेट एंड टाइम के नॉर्मल कैलकुलेशन, टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूले में कुछ इंटेलिजेंट फॉर्मूले है। ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इसमें से मोस्टली फॉर्मूले आपके एक्सेल में नहीं था, राइट। तो इसमें जैसे कि आता है ग्लोबल बैलेंस मंथ, ग्लोबल बैलेंस क्वार्टर, ग्लोबल बैलेंस ईयर। अब तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले सेम ही है, बस मंथ क्वार्टर ईयर शो करता है। तो ये फॉर्मूले क्या है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें जो फॉर्म, इसका एक्सप्रेशन ये है कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना है, डेट देना और फिल्टर देना, तीन चीज, एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन रिटर्न द स्केलर वैल्यू एंड डेट, आपको जो डेट कंबाइन करना कंटेन करना है, फिल्टर को अगर कंडीशन लगानी है। तो बता दो ये फॉर्मूला जो ग्लोबल है, ये फॉर्मूला नॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मूला लगता है किसके साथ, एक डेटा के साथ। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया बैलेंस मंथ, उसमें सम एक्स का फॉर्मूला लगा के हमने एक डेटा दिया हुआ है, उसके बाद हमने बीच में डेट एंड टाइम देके डेट दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डैक्स क्यूरी फॉर्मूला। जब डैक्स क्यूरी आपको मैं पढ़ाऊंगा इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट, ओके जी। तो कह रहे होते देख रहे इतना लंबा लंबा फॉर्मूला भी पावर बीआई में एक्सेल की तरह लगाते हैं। सेट ये आपका मंथ के लिए होता है, या आपका ईयर के लिए होता है, या आपका क्वार्टर के लिए होता है। अब बात करते हैं डेट एड फॉर्मूला। हमने लास्ट में बताया था किसी डेट में किसी, शुरू से ही पढ़ा दो ना सर, वो जो सबसे पहला था वही समझा दो क्या डेट डेट एड पढ़ा हुए पहले नहीं यहाँ पे सिक्वेंसली आ रहा हूँ ना मैं जी जी। ये आपको ग्लोबल बैलेंस फॉर्मूला ने बताया, डैक्स क्यूरी फॉर्मूला है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आया, इसके लिए कैलकुलेट और एवरेज जैसे फॉर्मूले को समझना होगा, इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर किया हुआ है, राइट। बाद में सम एक्स भी नहीं पढ़ा आपने, फिल्टर फॉर्मूला सम एक्स फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो अकेले पढ़ने की चीज नहीं है ना सर। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि किसी और फॉर्मूले के साथ कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं वो फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, ओके ओके ओके। अभी समझ में आने में तो दिक्कत होगा सर, इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे वो सारा फिल्टर फॉर्मूला, सम एक्स फॉर्मूला, एवरेज फॉर्मूला, तीन चार फॉर्मूला कर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। वो आगे एक कैटेगरी में, एक एक कैटेगरी से बढ़ रहे हैं ना आगे, आते हैं डेट एड फॉर्मूला से। तो डेट एड फॉर्मूला क्या करता है, डेट एड फॉर्मूला डेट में कुछ पीरियड एड करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में मैनुअली ऐड करना, डेट फॉर्मूला लगाकर ऐड करना सिखाया था आपको सर जी जी। इसी के लिए पावर बीआई में एक फॉर्मूला है जो कि एक डेट में कुछ पीरियड ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि यहां देखिए कि मुझे इस डेट में एक साल घटाना है, ठीक है, दिखा सर जी जी देख। अब यहाँ पे घटाना है इसे माइनस कर दिया, जोड़ना है तो प्लस में रहेंगे, ईयर की जगह पर ईयर, मंथ, क्वार्टर, डे आप ऐड कर सकते हैं, ओके। देखिए आप ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे, मतलब कि इंटरवल में इस फॉर्मूले के तीन सिंटैक्स है। पहला आपका आता है डेट, जो होता है नंबर ऑफ इंटरवल, और यहाँ पर आता है इंटरवल, मतलब कि डेट कितना दिन जोड़ना घटाना है और क्या जोड़ना घटाना, मैं क्या जोड़ना, मैं कितना जोड़ना घटाना और क्या जोड़ना है, जो क्या जोड़ना है मतलब कि ईयर जोड़ना है या क्वार्टर जोड़ना है या मंथ जोड़ना है या डे जोड़ना है, है सर ओके। अब डेट ऐड के बाद आता 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 है फॉर्मूला डेट बिटवीन। डेट बिटवीन आपको पता ही चल रहा है कि दो डेट के बीच की बिटवीन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और यहाँ पे डेट, स्टार्ट डेट एंड डेट, मतलब यहाँ पे आप पहला जो आपका कॉलम सेलेक्ट करना है डेट का कॉलम सेलेक्ट करना है, राइट, और फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस दो डेट के आपने डाला है इसके बीच का जो डेट है वो आपको उस कॉलम से निकाल के दे देगा, समझे, ओके सर समझ गया। डेट बिटवीन, अब यहां पे आता है डेट इन पीरियड। तो डेट बिटवीन का ही जैसा ही है, बड़े पीरियड ऑफ सब जोड़ा है, देखते क्या है इसमें। डेट इन पीरियड इसका सिंटैक्स मुझे क्या है, हमें पहले डेट कॉलम डालना है डेट वाले,
फिर स्टार्ट डेट डालना है, फिर नंबर ऑफ इंटरवल डालना है, फिर इंटरवल डालना है। जैसे जैसे हमने हमने कॉलम डाल दिया डेट, राइट, फिर हमने स्टार्ट डेट डाल दिया, हमने डेट स्टार्ट डेट डाल दिया 1 जनवरी, फिर उसमें से निकाला 3 महीना, 3 आवाज कट रही सर, हेलो आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, हां देख लीजिए। अब बेटर है सर? हाँ आप सही। तो यहाँ पे जो आपका ये डेट इन पीरियड क्या होता है कि जो कॉलम में आप जो डेट है आपका और डेट आप जो डेट डालेंगे जो पीरियड डालेंगे ना उस बिटवीन का डेट आपको निकाल के देगा। और याद रखिएगा ये आपका कैलकुलेट फॉर्मूले के साथ चलता है। तो यहाँ पे हमने डेट डाला, स्टार्ट डेट और नंबर ऑफ इंटरवल और यहाँ पे इंटरवल। तो हमने यहाँ पे डेट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर स्टार्ट डेट, उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे क्या पीरियड है और इसमें से डालेंगे क्या इसमें क्वार्टर ईयर मंथ क्या करना है। उस पीरियड की जितनी भी डेट है वो डेट आपको रिटर्न करेगी, लेकिन किसमें, टेबल में जो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला बताया मैंने आपको, डेट बिटवीन है, डेट पीरियड, दोनों में दोनों चलेंगे किसमें, टेबल, न्यू टेबल्स पे, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए कैलकुलेट की तरह यहाँ पे बुला रखा है कैलकुलेट फॉर्मूला, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, तो इस तरह की इसको हम बोलते हैं डैक्स क्यूरी, समझे, इसको हम लोग डैक्स क्यूरी बोलते हैं। लगा रखा है कि कैलकुलेट करो तो सेल को तो डेट इन पीरियड, इस पीरियड में से इस पीरियड को मतलब क्या मैक्स डेट, मैक्स मतलब मैक्सिमम डेट निकाल के माइनस एक कर दिया, मैक्सिमम डेट निकाला पहले से तो कैलकुलेट के अंदर चलेगा ये। जी जी जी, नॉर्मल भी चलता है बट कैलकुलेट के अंदर इसका रियल यूज है, ठीक है। और यहाँ पे आता है डेट्स एमटीडी, मंथ टिल डेट, क्वाइटीडी क्वार्टर टिल डेट, वाईटीडी ईयर टिल डेट, समझे, मतलब कि यहाँ पे आपको डेट देना है, कॉलम का डेट सिलेक्ट करके देना है, जो कॉलम है ना वो सिलेक्ट करेंगे तो जो करेंट मंथ चल रहा होगा और जिसे आज क्या है, आज 10 तारीख है, 8 तारीख है ना सर, तो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का डेटा आपको दे देगा, राइट। और उसे से यहाँ पे क्वाइटीडी, तो ये क्वार्टर जो चल रहा है उस क्वार्टर का एंड दे देगा, और इस क्वाइटीडी मतलब 1 जनवरी से लेकर अभी तक का डेट दे देगा। एंड ऑफ मंथ, कोई भी डेट डालेंगे इसलिए एक्सेल फॉर्मूला ईओ मंथ, कोई जब डेट क्या बोलना, वही फॉर्मूला है ना ये, जी ईओ मंथ, हाँ वही है, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ ईयर, ठीक है। एंड ऑफ मंथ क्या करेगा, मंथ का लास्ट डेट, एंड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर का लास्ट डेट, और एंड ऑफ ईयर, ईयर का लास्ट डेट। अब बात आता है फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट, इसके अंदर आप डेट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे ना, उस कॉलम में से आपको पहला दिन खोज के दे देगा, पहला दिन, फर्स्ट डेट। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ब्लैंक, फर्स्ट नॉन ब्लैंक, ऐसा कॉलम जिसमें पहला नॉन ब्लैंक कौन सा है, जैसे आपके पास डेटा है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का डेटा है, इस तरह का डेटा है, तो फर्स्ट नॉन ब्लैंक जो है इसको शो करें, नीचे वाले को नहीं जाएगा, हाँ इसको स्किप कर देगा। और लास्ट डेट, जैसे फर्स्ट डेट है ऐसे लास्ट डेट है आपका, कि आप जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसका लास्ट डेट देगा, और लास्ट ब्लैंक नॉन ब्लैंक, लास्ट नॉन ब्लैंक वो देगा, मतलब कि आपके पास अगर डेटा है उसमें ए कॉलम हमने सेलेक्ट किया जी कॉलम पे 22 को देगा, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट डेट अगली दिन रिटर्न करेगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डे ऐसा नहीं है कि आपका 8 तारीख है और 9 तारीख शो करेगा, समझे, ये देखिए आपका कैलकुलेटर के साथ चलता है, तो जो डेट देते हैं उसमें का नेक्स्ट डे शो करता है, ये आपके यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे
next date of the contain column all dates the next date based on the first date specific than dates column in the current context. जो first date होगा उसकी अगली next date show करेगा. और same next month पहले वो first day निकालेगा, यहाँ दिखा है ना first day के next day निकालेगा. जैसे एक जनवरी हुआ तो दो जनवरी देगा, और next month मतलब कि आपकी नेक्स्ट महीना देगा. और यदि आपको फर्स्ट मंथ के बेस्ड है नेक्स्ट क्वार्टर देगा, यदि आपको फर्स्ट क्वार्टर के बेस्ड है फर्स्ट डेट हिस्ट्री की बेस्ड है नेक्स्ट ईयर अगली ईयर देगा. ठीक है, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था ना, ऐसे आपका आपका ओपनिंग बैलेंस है मंथ ईयर क्वार्टर एक साथ समझियो फिर. यार का पैरेलल पीरियड ये फॉर्मूला नया है, मैंने यूज कभी किया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. पैरेलल पीरियड डेट एक कॉल दैट कंटेंस डेट 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 पीरियड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, लेकिन पैरेलल पीरियड है डेट पीरियड फॉर्मूला ऐसे मुझे तरह से लग रहा है. उसको मैं एक बार रिसर्च करके फिर बताऊंगा आपको. कोई बात नहीं. प्रीवियस डे नेक्स्ट डे के उल्टा प्रीवियस डे है हमारा. प्रीवियस मंथ प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर. अब ये सब फॉर्मूले डैक्स स्टडी पे डिपेंड है, समझे सर? अच्छा, इंटरव्यूज वगैरह में यही पूछे जाते होंगे. हाँ, पूछ सकता है. जैसे स्टार्ट ऑफ मंथ हमने डाला, हमने डेट डाला, तो उसका स्टार्ट ऑफ मंथ शो करेगा किस महीना में स्टार्ट हुआ है. तो आपने इंटरव्यू दिया नहीं है पावर बीआई की अकॉर्डिंग सर? मैं मेरे पास इससे एक इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको प्रोवाइड करूंगा. चलो सही है सर. अब टोटल एनटीडी, टोटल वाईटीडी या टोटल एलटीडी है, एक काम कीजिए सर, इसको आप अपने एंड से एक बार ट्राई कीजिए. ठीक है.